वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल एंड क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करते हैं। लेट से अपने पास एक सॉलिड है NaCl, तो NaCl में Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। NaCl कौन सा सॉलिड है? NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। तो Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, ये हो चलता चलेगा। ठीक है, ये बहुत दूर तक चलेगा, मैं बहुत थोड़ा बना रहा हूं, इसमें बहुत सारे होंगे, इधर बहुत सारे होंगे, उसी तरीके से इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड अ क्रिस्टल। तो व्हाट इज अ क्रिस्टल? क्रिस्टल इज एनी सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। सिंपल सा डेफिनेशन, एनी सॉलिड हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्रिस्टल लैटिस देखेंगे। ये तो अपना क्रिस्टल है। देखो लैटिस में क्या करना है, ये जो एटम है ना लैटिस में, ये एटम्स या आयंस नहीं बनाएंगे, सिंपल डॉट बनाएंगे। देख लो, ये अपना सॉलिड है। हम लोग Na प्लस को एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, Cl माइनस को भी डॉट से, Na प्लस को भी डॉट से। अब मैंने क्या किया, एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स नहीं बनाए, मैंने डॉट्स दिया, पॉइंट्स बनाए। नाउ दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जिससे सॉलिड बना है। सो दिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स और पॉइंट विल बी कॉल्ड लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया? सो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स या पॉइंट्स वेर Each point represents the particles of solid is called crystal lattice। क्या कहते हैं? Crystal lattice कहते हैं। अब ये देखो, ये टू डायमेंशनल होगा या थ्री डायमेंशनल होगा? सॉलिड अपना थ्री डायमेंशनल है, तो ये जो लैटिस है ये भी क्या होगा? थ्री डायमेंशनल। तो इसको हम लोग कितनी बार 3D लैटिस भी बोलते हैं, 3D लैटिस, और बहुत बार स्पेस लैटिस भी आपको लिखा रहेगा, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, सो दिस इज माय क्रिस्टल एंड दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, थैंक यू।